सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि बिजनेस मीन्स क्या होता है। बिजनेस बीइंग बिजी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एट रेगुलर बेसिस, उसी को बिजनेस बोला जाता है। एट रेगुलर बेसिस कंपलसरी है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एट रेगुलर बेसिस, ठीक है। अब इस बिजनेस में अपन देखें तो टाइप्स ऑफ बिजनेस पता है आपको कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, बता सकते हैं? अगर सेक्टर पे डिवाइडेड हो तो तीन सेक्टर होते हैं। कॉमर्स में, ट्वेल्थ में बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है बेटा। अगर अपन बात करें तो तीन सेक्टर होते हैं बिजनेस में। कौन कौन से सेक्टर होते हैं आपको पता है? पापा जी, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट। क्लियर है? बिजनेस कितने सेक्टर पे डिवाइडेड है? तीन। कौन कौन सा? प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट। क्लियर है? इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप लोग ने बहुत सारे टाइप्स के बिजनेस पढ़े थे, जिसमें बेसिकली तीन टाइप के बिजनेस आपको याद होना चाहिए। एक होता है आपका सोल ट्रेडर, याद है क्लास 11 PhD। सेकंड पार्टनरशिप और थर्ड कंपनी। और यही तीन हम लोग 11th और 12th में पढ़ते हैं। यही तीन हम 11th और 12th में पढ़ते हैं। अकाउंट पे सबसे पहले हमने सोल ट्रेडर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th क्लास में पढ़ गए हैं। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें पूरा पढ़े थे कि नहीं पहले 11th क्लास पे? उसके बाद आप लोग क्लास 12th में आए होंगे तो आपके स्कूल ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? पार्टनरशिप। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कंपनी। क्लियर है? तो हमारे क्लास 12th में अगर सिलेबस देखें तो हमारे क्लास 12th में सिलेबस क्या है? ये दो जो बिजनेस है इसका अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारा क्लास 12th कंप्लीट है। क्लियर है? तो अगर अपन स्टार्ट से बात करते हैं कि बिजनेस क्या होता है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉमर्स का मतलब पता है क्या होता है? कॉमर्स मीन्स किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? बिजनेस। बिजनेस का दूसरा नाम ही कॉमर्स है। फिर बिजनेस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है? एट रेगुलर बेसिस। अब इस बिजनेस के अंदर हम टाइप्स ऑफ बिजनेस देखें तो सेक्टर के पार्ट पे बात करेंगे तो थ्री सेक्टर पे डिवाइडेड है बिजनेस। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम तीन टाइप्स के बिजनेस देखते हैं। कौन कौन सा? सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। आपका NGO होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम कितने टाइप का पास बोल रहे हैं? तीन। कौन कौन सा? सोल ट्रेडर, पार्टनर, कंपनी। ये सोल ट्रेडर मीन्स व्हाट? सिंगल ओनर, ठीक है। जो सिंगल ओनर ओन कंट्रोल मैनेज करता है उसके ऊपर क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। और इसी सोल ट्रेडर का जो बिजनेस का जितना भी हमने क्लास 11 में पढ़ गया है दोस्तों, चाहे वो जर्नल एंट्री हो, चाहे वो आपका लेजर हो, चाहे आपका ट्रायल बैलेंस हो, डेप्रिसिएशन हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, ये सब चीजें जितना भी हम लोग पढ़ के आए हैं ये सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़े हैं? सोल प्रोपराइटर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? और ये सब चीजें हमने बेसिकली पूरा सीख करके आया हूं। अब हम लोग क्लास 12th में आए हैं और क्लास 12th में हमको क्या पढ़ना है भाई? पार्टनरशिप। सिलेबस मैंने डाल दिया था ग्रुप पे, आप लोग देखे होंगे पूरा, इसलिए मैंने उस पे डिस्कस नहीं करना, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। अब आपका बात करते हैं हम लोग जब पार्टनरशिप पे आते हैं तो क्या सर पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता होगा उसका फिर पूरा सब चीजें सीखेंगे? बोले यार सर, तो बिजनेस पार्टनरशिप पे है लेकिन जितना भी प्रोसेस हमने 11th क्लास में सीख करके आए हैं ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप में भी काम आता है। समझ रहे हैं? मतलब हमको यहाँ पर जर्नल एंट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेजर पढ़ने का जरूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस, सब चीजें आपको आना चाहिए। ये सब चीजें आपके इसमें भी पार्ट में आएगा लेकिन एक चैप्टर के नाम से नहीं आएगा, वो चैप्टर के अंदर ही दिखेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग ने पढ़ा है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? और कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग? ओके। और
टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का सबसे लास्ट प्रोसेस अगर अपन देखें ना तो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर है, जिसमें टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस जानने के लिए फिर क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट. क्लियर है. तो भाई अगर अपन बात करें, हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंट्स बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे पहला अकाउंट बनता है क्या, आपका ट्रेडिंग. फिर आपका सेकेंड अकाउंट क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फिर थर्ड अकाउंट आपका क्या बनता है, बैलेंस शीट. ये क्या आपने सबने बनाया है, ये सब ये पढ़ करके आए हैं? यस सर. मतलब अगर हम बात करें 11th क्लास में जितना भी चीजें हम पढ़ के आए हैं, ये सभी के सभी चीजें कहाँ आने वाला है, क्लास 12. क्लियर है. हम जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना बेटा, तो पार्टनरशिप में डायरेक्ट क्या बनाएंगे पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या बनाने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्योंकि सर बोलता है जर्नल आपको आता है, लेजर आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, सब आता है, सीधा आप क्या बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक टाइप ऑफ बिजनेस का अलग अलग बनता है. क्लियर है. अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर अपन पार्टनरशिप का बात करें कि सर पार्टनरशिप में क्या क्या बनाना पड़ेगा, क्या सर ट्रेडिंग बनाना है, ये आपको आता है, नहीं बनाना. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है सर, यस सर, ये कुछ जगह बनाना है और कुछ जगह नहीं बनाना है. और उसके बाद हमारा थर्ड अकाउंट, यहाँ पर बीच में एक यहाँ पर एक नया अकाउंट बन करके आएगा, जिसको हम 3A लिख कर रखा हूं मैं यहाँ, यहाँ वो बन करके आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सुनियो ये वर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फिर फोर्थ क्या बनाएंगे, हाँ, बैलेंस शीट. मतलब पार्टनरशिप में, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में अगर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है तो चार अकाउंट प्रिपेयर करना होता है बिजनेस को. मतलब जो बिजनेसमैन होंगे पार्टनरशिप, उनको कौन कौन से चार अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते होंगे, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन बैलेंस शीट. चार अकाउंट. लेकिन हम लोग क्लास 12 के बच्चे हैं, हमको दो अकाउंट को नहीं बनाना. कौन कौन सा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कुछ जगह मैं कॉन्सेप्ट के कारण कुछ जगह आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनवाऊंगा, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू सही. क्लियर है. लेकिन नॉर्मली आपको ये याद रखना कि हमको सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और एक और अकाउंट आता है इसी के बीच में, 3B करके लिखूंगा इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सुने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर है. चलिए, ये सब चीजें हमारा बेसिक चीजें. अब आते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप का मतलब, जैसे आप लोग ने बोला, मैं एक एग्जांपल पहले लेता हूं, इसमें आप लोग बताना पहले, ठीक है. दो दोस्त हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी. आप लोग अपना सिलेबस जान रहे हैं और पेपर कैसे आने वाला है इससे मैं जान रहे हैं ना. 20 नंबर का हो सकता है, 20 से भी ज्यादा का आ सकता है एमसीक्यू. 20 मार्क्स का एमसीक्यू है, उसके बाद 60 मार्क्स का आपका जो बाकी पोर्शंस है. इस टोटल 80 मार्क्स पे ना, इस टोटल 80 मार्क्स में 44% नॉर्मल, 80 मार्क्स में 44% नॉर्मल, और उसके बाद जितना बच रहना परसेंट, बैलेंस परसेंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है. मतलब आप ये मत सोचना कि 8 नंबर का क्वेश्चन को फटाफट बना लिया और बस हमारा खेल खत्म. इसमें आपको इस सेशन पे आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझना है, ताकि एसएसआर रीजन हो, चाहे आपका एमसीक्यू हो, चाहे छोटा छोटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता चले. ऐसा मत सोचना कि 4 नंबर और 8 नंबर का बस प्रैक्टिकली बस पढ़ लिया और खत्म हो जाए, क्योंकि इस सेशन आपका सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल पे नहीं, कॉन्सेप्ट पे जा रहा है. क्लियर है. इसलिए बोल रहा हूँ, ये पार्टनरशिप का मीनिंग को लोकल नहीं समझना कि पार्टनरशिप का मतलब बस दो या दो से अधिक खोले और निकल गए. कुछ है इसके अंदर सीखना. मिस्टर ए और मिस्टर बी दो दो लोग हैं. ये एक सीए है और ये एक इंजीनियर है. दोनों बेस्ट फ्रेंड है. सीए बोलते हैं भाई क्यों ना मैं यहाँ पर 11th 12th की क्लास ओपन करता हूँ, एक जगह किराया लेते हैं, 11th and 12th का क्लास ओपन करता हूँ. और मिस्टर भी दोनों मिलकर भी बोलते हैं यार मैं भी एक काम करता हूँ यार, मैं भी तो खाली बैठा हूँ, मेरा 11 बजे से रहता है शाम को 5 बजे तक, मैं भी क्लास लेंगे. तो इन लोग दोनों मिले, एक घर के गए, वहां पास एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग पे इन्होंने
ऐसे एक ऊपर और नीचे बिल्डिंग था, यहाँ बस ये सीए बंदा पढ़ा रहे हैं और यहाँ बस इंजीनियर बंदा पढ़ा रहे हैं, और दोनों इस बिल्डिंग को 20,000 रुपए रेंट पे लिए, 10,000 10,000 रेंट देते हैं, क्या ये लोग पार्टनर है? नहीं बोल रहे उन लोग का जवाब देना, और हाँ बोल रहे उन लोग भी जवाब देना, सोच के क्या पूछ रहे उसको देख करके बता, क्या है दोनों पार्टनर है, दो लोग मिल करके काम कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ वाले कितने हैं? तो अरे अपना फ्रेंकली बोलो, सीखने आए अपन, हाँ वाले कितने हैं? 1 2 3 4, ना वाले बाकी सब ना? क्यों क्यों ना प्राची? प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये पार्टनर नहीं है, जो हाँ बोल रहे हैं उन लोग सीखना, ये पार्टनर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इन लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये वर्ड याद रखना, प्रॉफिट नहीं, क्या नहीं है इन लोग के बीच में? कोई एग्रीमेंट नहीं, और एग्रीमेंट किसका होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग का, क्लियर है? तो यहाँ पर सब देखे, अब मैं आप बोलूँ कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिल करके बोलते हैं कि भाई क्यों ना हम दोनों, मैं तो सीए, मैं इंजीनियर हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पर सीधा 9th से 12th क्लास चलाते हैं, दोनों के बीच में जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 शेयर करेंगे, क्या आप पार्टनर हैं? यस सर। तो सर ये क्या है, इन लोग जो दोनों मिल करके किसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा बिजनेस है फिर? सोल प्रोप्राइटर, तो सोल नहीं है, पार्टनर कंपनी क्या है फिर? ज्वाइंट वेंचर है, क्या है? ज्वाइंट वेंचर। जब ये पार्टनरशिप नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर, वर्ड याद रखना, क्या है ये? ज्वाइंट वेंचर। अगर आपको एक नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो कि पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, कंपनी और नन ऑफ द अबव, और एक केस बना दिया कि मिस्टर ए भी दोनों ज्वाइंटली मिल करके काम कर रहे हैं और अपना बिजनेस रन कर और अपना प्रॉफिट अपने पास रख रहे, क्या ये पार्टनर, क्या कौन इसमें से कौन सा है? तो क्या याद रखोगे आप? ज्वाइंट वेंचर। मतलब आप ये याद रखना, दो या दो से अधिक जितने भी लोग मिल करके बिजनेस करते हैं, और वो बिजनेस में उन लोग के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसका होना कंपलसरी है? प्रॉफिट शेयरिंग का। अगर ये एग्रीमेंट होता है तो उन लोग क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। क्लियर है? पक्का? ठीक। चल अब एक बात बताओ मेरे को, जैसे मिस्टर ए और मिस्टर पी दोनों मिल करके बिजनेस किए, क्लियर है, और दोनों मिल करके एग्रीमेंट कर दिए, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, दोनों पार्टनर बन गए। अब इन लोग अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो इन लोग के बीच में क्या होगा? अब इन लोग अच्छे से काम के, मान लो जो इन लोग 2010 पे स्टार्ट किए, इन लोग दोनों मिल करके ना बहुत अच्छे से काम किए, तो 2011 इन लोग के बीच में काम कर रहे थे, इन लोग का मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्निंग है ना, तो 2011 में भी इसने अच्छा काम किया, 2012 में इन लोग के बीच में झगड़ा हो गया, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, मिस्टर भी अच्छा काम, 2013 में फिर ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, 2000, तो क्या इन लोग के झगड़ा करने के लिए पार्टनरशिप के होंगे क्या? नहीं। तो इन लोग के बीच में जब झगड़ा हुआ ना, तो इन लोग कहाँ चले गए फिर? कहाँ जाएंगे? बहस होगा तो कोर्ट ही जाएंगे। अब कोर्ट में होगा, अब ये बोलेगा कि नहीं अभी बिजनेस को मैंने ही सोचा था, मैं स्टार्ट किया, मिस्टर ए बोलता है मेरे को चाहिए बिजनेस, इसको मैं निकालूंगा, मिस्टर भी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी मेहनत किया हूँ, मेरे को चाहिए मेरा बिजनेस, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो, कहाँ चले गए? कोर्ट चले गए। अब कोर्ट में गए तो भाई ऐसे कितने सारे जब प्रॉब्लम्स आने लगे ना, तो एक लॉ निकल करके आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब क्या? 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932 के पहले क्या बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं चलता रहा होगा क्या? चलता रहा होगा, लेकिन ये कब आया? जब कुछ बहस, कुछ ज्यादा चीजें कोर्ट में चले गया, तो उसके कारण फिर यहाँ पर क्या आ गया, एक एक्ट बना दिया कोर्ट वालों ने, सीधा एक कानून बना दिया, एक लॉ बना दिया। क्या लॉ बना दिया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और उस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4, कहाँ? सेक्शन 4 पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 पे एक लीगल डेफिनेशन दे दिया है पार्टनरशिप। क्लियर है? कहाँ पर लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के डेफिनेशन, कौन से सेक्शन पे लिखा है? सेक्शन 4। अपन क्या बोलेंगे? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट।
1932 वहां पर क्या मिलेगा अपने को, डेफिनेशन। जो डेफिनेशन लीगल डेफिनेशन है जो आपके जबान पे हमेशा रहना चाहिए। अगर आज के बाद अब यहां से घर से बाहर निकलते क्लास से, और कल अगर आपको कोई पूछता है कि भाई पार्टनरशिप क्या होता है, तो आप कैजुअली नहीं बता करके अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, बुक चेक करना जो बोल रहा हूँ, लिखा होगा रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या यही है? ये एक लीगल डेफिनेशन जो आज मेरे जबान पे याद है ना, वो आपके में होना चाहिए। क्या है मीनिंग? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, क्या वर्ड लिखा है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट। यहां तक याद हुआ? बोलो, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, क्लियर है मीनिंग? पक्का? ये एक डेफिनेशन है, एक नंबर के लिए पेपर में पूछता है हर साल एक नंबर के लिए पेपर में आता ही आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। क्लियर है? क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है? पक्का? अब ये हमारा पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो आपके कॉपी में आपको लिखना है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक इसी डेफिनेशन से पूरा निकलेगा ना। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट फीचर्स में, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं फीचर्स में, तो टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, क्लियर है? दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, टू और मोर पर्सन, क्लियर है? तो यहाँ पर दो या दो से अधिक पर्सन वर्ड लिखे थे अपन, तो दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक का मतलब ये होता है कि मिनिमम टू, तो मैक्सिमम कितना? मिनिमम टू मैक्सिमम, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है ये? मिनिमम टू लोग होने चाहिए, मैक्सिमम कितना? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहां पर साइलेंट है, यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है। यहां पर से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का बड़ा एक्ट जिसको बोलते हैं इंडियन कंपनी लॉ 2013, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 पे बोला गया है कि बोलता है कि भाई एक बिजनेस है पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप में बता दिया है कि दो या दो से अधिक लोग बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन उस अधिक में उसने ये नहीं बताया कि कितना अधिक होना चाहिए। तो वहां पर उसको ओवरराइड कौन किया? कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल, जिसने बोलता है कि मिनिमम टू मैक्सिमम का मैक्सिमम पार्टनरशिप में नो लिमिट, नो लिमिट, वहां पर किसने उसको वो कर दिया ओवरराइड? कंपनी एक्ट बोलता है कि भाई सुन, पार्टनरशिप अगर आप दो या दो से अधिक बोल रहे हो ना, तो अधिक में 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होना चाहिए। कौन बोला? कंपनी एक्ट। किसने रखा है ये 50 करोड़? कंपनी एक्ट, कंपनी रूल, समझ रहे? आप बुक में पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको। सबसे पहला बात अपन फीचर्स में क्या वर्ड पढ़े? टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, तो अधिक में कितना? 50। ये किसने बोला? कंपनी एक्ट ने बोला। किसने बोला? कंपनी एक्ट ने बोला है, समझ पाए? तो क्या सर कि 50 से ज्यादा अपन फिर पार्टनर नहीं बन सकते? इसका मतलब यही है ना, समझ रहे कि नहीं? मतलब दो या दो से अधिक लोग होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 50। कौन बोल दिया? कंपनी। तो क्या सर 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकता क्या? हो सकता। फिर आपको बोलता है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा LLP पे, और नॉलेज दे रहा बेटा, बुक में नहीं मिलेगा, LLP में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आप 50 से फिर ज्यादा मेंबर पार्टनर बन सकते हैं। और जाहिर सी बात बोलूं, ये LLP एक्ट जो है ना, LLP एक्ट, ये एक तरीके से कंपनी है,
इसका मतलब ये है फिर आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपनी नाम का पार्टनर्स। क्लियर है? मतलब 50 से ज्यादा अगर लीगली बेसिस में देखे बिना रजिस्ट्रेशन का तो हम 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। क्लियर है? पक्का मीनिंग याद है? पार्टनरशिप का मीनिंग कौन से सेक्शन पे लिखा है? 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या लिखा हुआ है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है? ये हमारा मीनिंग है और उसी मीनिंग को मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्ट करके पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें पर्संस वर्ड था ना उस पर्संस का मतलब टू और मोर पर्सन। तो ये टू और मोर पर्सन क्लियर हुआ? कितना मिनिमम? 2। मैक्सिमम किसने बोला? कंपनी ने बोला। क्लियर है? पक्का। सेकंड एग्रीमेंट, सेकंड अगर बात करेंगे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन। एग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है, दोनों वैलिड है। एग्रीमेंट मतलब जानते हैं दो लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जैसे शादी ओरल, पंडित से अगर शादी करते तो ओरल होता है और अगर कोर्ट से करे तो रिटर्न एग्रीमेंट, दोनों के बीच में। वैसे बिजनेस में भी क्या होता है? एग्रीमेंट, ओरल या रिटर्न। रिटर्न एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट दोनों वैलिड है। जैसे अगर अपन बात करें अभी यहाँ पर सब बैठे हम लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम मिल करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सबका जो भी प्रॉफिट होगा पूरा इक्वल शेयर करेंगे और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये वैलिड है कि नहीं? यस वैलिड। ओरल एग्रीमेंट हमने बात किया, टर्म एंड कंडीशन रखा ओरली और हमने वर्क स्टार्ट कर दिए, कल के डेट में अगर अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोग के बीच में अगर ये ओरली अगर हमने काम किया तो क्या ये वैलिड है कि नहीं? वैलिड है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। क्लियर है? तो एग्रीमेंट आपके बीच में या तो ओरल या रिटर्न, कोई दिक्कत खुशी प्रॉब्लम? क्लियर है? एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है, देखो इंसान का कोई भरोसा नहीं, अभी बोल दिया बाद में धोखा दिया, उसके लिए अपन क्या रखते हैं? प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम क्या वर्ड रखते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट। क्लियर है? तो हमने जब रिटर्न, यहाँ पास एक रिटर्न एग्रीमेंट बनता है, ऐसे यहाँ पास पूरा कंपनी फर्म का नाम होगा, पर्सन का नाम, फिर क्या क्या करना है, सब चीजें जो पूरा लिख करके रखते हैं यहाँ पास, तो यही सब चीज जो लिख करके रखे हुए इसी को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? रिटर्न एग्रीमेंट। और इसी रिटर्न एग्रीमेंट का नाम अर्पिता बता दी पार्टनरशिप डीड। सुने हुए पार्टनरशिप डीड नाम? इसी रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और इसी को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ पार्टनर, मेमोरेंडम ऑफ पार्टनर, दो नाम है इसका। इसी को पार्टनरशिप डीड भी बोला जाता है और इसी को मेमोरेंडम ऑफ पार्टनर भी बोला जाता है। आप लोग 11th क्लास में जब कंपनी पढ़े होंगे तो कंपनी के अंदर MOA AOA पढ़े होंगे। MOA मतलब कंपनी क्या कर सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का रूल्स होता है उसी को MOA बोलते हैं, इसीलिए इसको MOP भी बोलते हैं, MOP मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप, जो कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब उसका एग्रीमेंट। क्लियर? पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, टू और मोर पर्सन, मिनिमम मैक्सिमम कौन बोला? कंपनी से। क्लियर है? सेकंड एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ओरल भी और रिटर्न भी। क्या ओरल वैलिड है? यस सर। रिटर्न एग्रीमेंट मतलब डॉक्यूमेंट और उस डॉक्यूमेंट का दूसरा नाम पार्टनरशिप डीड और उसका थर्ड नाम मेमोरेंडम ऑफ पार्टनर। क्लियर है? पक्का। थर्ड लॉफुल बिजनेस, क्या लिखा मैंने उसमें? बिजनेस बस लिखे, हाँ बिजनेस या लॉफुल बिजनेस बोलो, बिजनेस या लॉफुल, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब अपन पार्टनरशिप कर रहे हैं और ड्रग्स का काम कर रहे हैं, सही है? गलत है ना? बिजनेस मस्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल, लीगल बिजनेस। मतलब दो लोग मिल करके अगर काम भी करो तो कौन सा काम करो बेटा? लीगल काम करना है। दो लोग के बीच में अगर पार्टनरशिप करे तो लीगल बिजनेस चाहिए, ना कि इनलीगल बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें प्रॉफिट के बारे में क्या होना चाहिए, शेयर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें एक कॉन्सेप्ट सिर्फ हमको ध्यान देना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दो लोग के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेंगे, लॉस होगा तो कैसे बांटेंगे, क्या प्रॉफिट सभी पार्टनर को मिलना कंपलसरी है, क्या लॉस सभी पार्टनर देंगे, ये सब चीजें ध्यान है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब दो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है ना, तो उन लोग प्रॉफिट का तो शेयरिंग बता सकते हैं कि कितना कितना करना है, लॉस के लिए कंपलसरी नहीं है कि प्रॉफिट होगा तो भी, पर जितना लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट बांटेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लो जाए मिस्टर ए बी सी तीन पार्टनर, क्लियर है, इन लोग ने इक्वल इक्वल प्रॉफिट का बात किया था कि भाई ए बोलता है कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो इक्वली होगा और लॉस होगा तो भाई मैं नहीं दूंगा, लॉस में बियर नहीं करूंगा, तो क्या लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं? आपको लगता है लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया क्या? फिर से बोलो, ध्यान से सुनो, ए बी सी तीन पार्टनर, क्लियर है, ए बोलता है, ए बी सी तीनों ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट होगा तो तीनों को इक्वल बांटेंगे और जब लॉस होगा तो ए बोलता है मैं तो लॉस नहीं करूंगा, तो लॉस कौन बांटेगा, बी और सी, क्या ये लोग कर सकते हैं? यस कर सकते, समझ रहे हैं? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिसाइड करता है कि प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेंगे, लॉस होगा तो कैसे बांटेंगे, ये सब चीज डिसीजन किसके अंदर लिखा जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर है? पहला फीचर टू और मोर पर्सन, सेकंड एग्रीमेंट, थर्ड लॉफुल बिजनेस, फोर्थ प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, फिफ्थ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मैं मीनिंग को पढ़ रहा हूँ, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब भी बता सकते हैं क्या? बोलो सर, जब बिजनेस कर रहा है कि काफी मान लो कि उनके बदले में कर रहा हूँ तो टैक्स कुछ शुल्क भी काट रहा। ठीक है, और बोला मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं सीए को लेकर के पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि जस्ट एक साल बाद आप सीए करने जाओगे, सीएस करने जाओगे सीएमए, और वहां हम लोग पढ़ते हैं लॉ, क्या पढ़ते हैं, लॉ, कानून। आप लोग इनकम टैक्स पर सुने ना, इनकम टैक्स बहुत चोरी, ये वो क्यों होता है पता है? सिर्फ कानून का ये वर्ड के कारण, इंटरप्रिटेशन। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब आप अपने अंडरस्टैंडिंग में समझो। अब देखो इसका मतलब, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तीन पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, बोलते हैं तीन पार्टनर ए बी सी, ये जो तीन पार्टनर है ना, ये तीन पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि तीनों मिल करके बिजनेस चलाएंगे, इसको बोला बिजनेस कैरिड बाय ऑल, समझ रहे हैं? इसमें से बोलते हैं कि भाई ये जो ए बी सी है ना, इसमें से ए और सी बोलता है कि मैं बस पैसा लगाऊंगा, बी पूरा काम तेरा, क्या ए सी बिजनेस में काम कर रहा है क्या? नहीं, कौन कर रहा है पूरा काम, बी कर रहा है, और कितने पार्टनर है, तीन। तो बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक ही बंदा कौन, बी, बी बस पूरा बिजनेस चला रहा है और सबका काम अकेला कर रहा है, मतलब एक्ट कर रहा है कि जो भी डिसीजन बी ले रहे हैं वो पूरा कौन ले रहे हैं, ए बी सी, समझ पाए? बिजनेस कैरिड बाय ऑल का मतलब या तो पूरे पार्टनर मिलकर के चला, या तो उसमें से कोई एक पार्टनर चला सकता है, दो लोग बस मिलकर के, बोला ए और सी मिलकर के चला रहे हैं, बी बस क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, पार्टनर बन गया और अपना अलग और काम कर रहा है, लेकिन ये बिजनेस कौन कर रहा है, ए और सी। तो ए और सी अगर काम कर रहे हैं तो क्या वो बी पार्टनर नहीं है क्या? है, इसको बोलते स्लीपिंग पार्टनर, सुने वर्ड, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, सुने ना? तो यहाँ पास अगर ए और सी मिल करके काम कर रहे हो, बी काम नहीं कर रहा है, तो एक्टिव कौन, ए और सी, स्लीपिंग कौन, ए और सी काम कर रहे हैं, तो ए और सी एक्टिव और बी स्लीपिंग, इसी को बोलते हैं बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कितना फीचर पड़े, पहला क्या, टू और मोर पर्सन, सेकंड एग्रीमेंट, थर्ड लीगल बिजनेस, है ना, फोर्थ प्रॉफिट शेयरिंग, फिफ्थ
कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर सिक्स प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. सिक्स क्या है? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. ठीक है, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. ये वर्ड सुने, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, ओल्ड बुक में नहीं दिए. प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट बता सकते हैं कोई? थोड़ा बहुत सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल होते हैं और एक दूसरे के लिए एजेंट होते हैं. जैसे एग्जांपल, ए बी सी तीन पार्टनर है. ए ने डिसाइड किया कि भाई बी और सी तुम लोग ये काम करना, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कौन बन गया? ए. और बी और सी क्या बन गया उसके? एजेंट. यहाँ पर सी ने बोला भाई तुम लोग ये काम करोगे करके, अब अगर सी कुछ ऑर्डर दे रहे हैं तो सी क्या बन गया? प्रिंसिपल. और ए और बी क्या बन गया? एजेंट. मतलब यहाँ पर सब क्या है, एक दूसरे के प्रिंसिपल है और एक दूसरे के एजेंट है. छह फीचर्स याद रखना बस आपके, और ये छह फीचर्स पूरे आपके क्या है? मीनिंग. मीनिंग एक बार फिर बोलेंगे, क्या याद है? क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. याद रहेगा फीचर, टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी फ्रॉम एक्टिंग फॉर ऑल, और सिक्स प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. कोई दिक्कत? बुक में एक बार रीड कर लो. बिजनेस एंटिटी याद है? क्या होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? यहाँ पर हम ये एजम्पशन लेते हैं, वर्ड याद रखना, एजम्पशन लेते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट है, सेपरेट है. क्या एक्चुअल में है क्या? नहीं. हम क्या एजम्पशन ले रहे हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट है, अलग अलग पर्सन है, और जो भी डिसीजन होगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू का? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. किसके पॉइंट ऑफ व्यू का? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर है? और इसीलिए हम लोग कैपिटल को क्या ट्रीट करते हैं? लाइबिलिटी. कैपिटल क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण कैपिटल आपका लाइबिलिटी. क्लियर है? अब यहाँ पर वही चीज है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये बता दिया, माना गया है कि बिजनेस और बिजनेस में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वही चीजें आपका सेम रूल फॉलो होगा पार्टनरशिप. सेम रूल फॉलो किसमें होगा? पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप में मान लो जाए ए बी सी तीन पार्टनर है और उसने ए बी सी एंड कंपनी करके फॉर्म स्टार्ट किया है, तो ए बी सी और ए बी सी एंड कंपनी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है, ये हम एजम्पशन ले रहे हैं. मतलब दोनों डिफरेंट है करके हम क्या ले रहे हैं? एजम्पशन ले रहे हैं. क्या ये सच में डिफरेंस है क्या? नहीं. ये नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे कंपनी, कंपनी सुने हो? कंपनी जो है ना, कंपनी और कंपनी के मेंबर दोनों डिफरेंट. जैसे एग्जांपल मान लो जाए ये एनएमएस क्लासेस है और मैं ओनर, तो नीलमणि और एनएमएस अगर क्लासेस है, स्कूल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो मैं ये एजम्पशन लेता हूँ कि ये एनएमएस क्लासेस अलग है और नीलमणि अलग है, ये एजम्पशन ले रहा हूँ. लेकिन अगर मैं इसको एनएमएस क्लासेस को एनएमएस एंड कंपनी बना दिया, मतलब प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, कंपनी बना दिया, तो अब नीलमणि अलग और कंपनी अलग. इसका मतलब मैं रहूं या ना रहूं, फिर ये क्लास रहेगा हमेशा अगर कंपनी है तो. डिफरेंट हो गए दोनों, दोनों अलग अलग बॉडी, समझ रहे हैं? लेकिन अगर ये कंपनी नहीं बना है, मैं हूं तो ये है और मैं नहीं हूं तो ये नहीं है. एक्चुअल में नहीं था, मैं इतना दिन लिया इतना ही दिख रही है ना, तो मैं हूं तो ये है, तब सोल प्रोपराइटर है. कंपनी होगा तो मैं रहूं या ना रहूं ये हमेशा रहे.
समझ रहे हैं कि नहीं? तो सेपरेट एक्सिस्टेंस का मतलब होता है कि दोनों डिफरेंट, जैसे कि कंपनी। नो सेपरेट एक्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जहां पर हम एजम्पशन ले रहे हैं कि वो डिफरेंट है लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में डिफरेंस नहीं है। मान लो जाए एबीसी ने तीनों मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया और इन लोग का बिजनेस हो गया लॉस, और इसका बिजनेस लॉस होने से इसके भी जितने भी क्रेडिटर होंगे इसके घर से घुस करके पैसा ले सकते हैं, चाहे वो ए से पूरा ले ले या बी से पूरा ले ले या सी से पूरा ले ले, किसी एक से भी ले सकता है, तीनों से ले सकता है। समझने की नहीं बात है, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट है। अगर तीन पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं और अगर फर्म को लॉस हुआ तो क्रेडिटर क्या तीनों से जिसके प्रॉफिट शेयरिंग में लेगा कि तीनों से इक्वल लेगा कि किसी से भी पूरा ले सकता है? आंसर, किसी से भी पूरा ले सकता है। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है? पूछो, क्योंकि लोग पार्टनर है। नहीं ऐसा तो नहीं लिखे ना। अब मान लो जाए आप तीन पार्टनर, मैंने आप लोगों को 10 लाख का लोन दिया बैंक, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस लॉस चले गया, आप दोनों फ्रेंड थे, निकल गए बाहर, अब बचा कौन? ये तो मैं आप लोग का तो प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मेरे पास तो तीनों आए थे तो बैंक में उसी से पूरा 10 लाख। अब बोलेंगे कि बिजनेस का पैसा, तो बिजनेस में तो बिजनेस आपका चला भी नहीं होगा, तो मान लो जाए बिजनेस से आप लोग का 2 लाख निकला तो 8 लाख रुपए मैं उनके घर से वसूल सकता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको बोलते हैं नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। आप तीनों ने कंपनी बनाया, क्लियर है, मैंने आपको 10 लाख रुपीज लोन दिया, आपने आप अपने कंपनी के शेयर होल्डर और आपके एक कंपनी है, और मैंने किसको लोन दिया? कंपनी को। किसको लोन दिया? कंपनी, क्लियर है। तो कंपनी को जैसे मैंने लोन दिया, कंपनी नहीं चला, कंपनी डूब गया, अब मैं कंपनी के पास पैसा लेने गया तो आप लोग बोले भैया देंगे आप, कंपनी नहीं दिया तो क्या मैं आप लोग से पैसा वसूल सकता हूँ क्या? नहीं, मैं पैसा आप लोग से नहीं ले सकता। समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप मेरे लिए कौन से पार्टी बन गए? थर्ड पार्टी। मैं कंपनी का जितना एसेट से अपने पास ले सकता हूँ, अगर वो उतना एसेट्स मेरे 10 लाख रुपीस में नहीं आता ना तो जितना बच गया उतना डूब गया, लेकिन आप लोग से मैं पैसा नहीं ले सकता। समझ पाए? क्लियर है? पक्का? मैं और लिख के बता सकता हूँ अगर इसमें कोई डाउट हो तो। पक्का क्लियर है? 7 पॉइंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, टू और मोर पर्सन। सेकेंड, एग्रीमेंट। थर्ड, लॉफुल बिजनेस। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग। फिफ्थ, बिजनेस कैरिड बाय ऑल, एरिया नेम ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिक्स्थ, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। सेवन्थ, नो सेपरेट एक्सिस्टेंस। क्लियर है? अब ध्यान से सुन लो, दूसरा कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने यहाँ पास एक वर्ड लिखा है ए बी सी, दिख रहा है ए बी सी, और यहाँ पास एक वो लिखा है एबीसी एंड कंपनी, ठीक है। ये जो एबीसी, अगर तीनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट के पार्टनरशिप, तो एबीसी कंपनी को ना फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म। मतलब फर्म मतलब आप समझ जाना कौन सा बिजनेस है, पार्टनरशिप। कहीं भी अगर फर्म वर्ड लिखा मिला मतलब समझ जाना क्या है, पार्टनरशिप। गोयल एंड गोलछा फर्म क्या है? पार्टनरशिप। समझ रहे हैं? और इस फर्म पे जितने भी इंडिविजुअल बंदर होते हैं उसको इंडिविजुअली पार्टनर्स के नाम से जाना जाता है। इंडिविजुअली एबीसी को क्या बोलेंगे? पार्टनर। क्या बोलेंगे? पार्टनर। और एक साथ कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे? फर्म। पेपर में आ जाते हैं ना कभी कभी कि एक्स वाई जेड को इंडिविजुअली क्या बोलेंगे और एक्स एंड कंपनी जो बने उसको क्या बोलेंगे, तो एक्स एंड कंपनी को फर्म बोलते हैं और एक्स वाई जेड को क्या बोलेंगे? पार्टनर। क्या बोलेंगे? पार्टनर। क्लियर है? इंडिविजुअली ये हमारा क्या बन गया? पार्टनर। और कलेक्टिवली ये हमारा क्या बन गया? फर्म। कोई दिक्कत? पक्का?
पढ़ लिया मीनिंग पार्टनरशिप इज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस द पार्टनर एक्ट बोथ एज एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म डेफिनेशन अच्छे से याद हो गया कैरेक्टरिस्टिक टू और मोर पर्सन एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट रिलेशन बिजनेस ये सब पढ़ लिए आ जाओ राइट्स पे एक एक बार रीड करेंगे खत्म राइट्स क्या है फर्स्ट पॉइंट देख लो ऊपर में स्क्रीन पे देख लो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो सभी पार्टनर को राइट है कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीड रेशियो में बांटने का सेकंड क्या राइट लिखा है एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बिजनेस में कोई भी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए सब पार्टनर एक को सहमति है ठीक है थर्ड क्या लिखा है Every partner has right to be consulted in the matter related to partnership business. इसका मतलब क्या? Third point का मतलब कोई भी छोटा हो या बड़ा सा बड़ा decision हो कोई भी decision individually नहीं लिया जा सकता सबसे consult करना compulsory है Fourth point Every partner has right to inspect and have copy of the books of account. इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया A और C दोनों काम कर रहे थे A और B दोनों काम कर रहे हैं और C sleeping है क्या C को right है कि नहीं वो जा करके books of account को check करे Yes sir. वो कभी भी जाएगा देखेगा कि A और B जो काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और उसका कुछ भी चीजें होगा उसका वो copy भी रख सकता है मतलब check भी कर सकता है और अपने पास एज अ प्रूफ कॉपी भी रख सकता है क्लियर है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिस अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिस अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इसका मतलब इसका मतलब ध्यान से समझना मान लो जाए अगर 15 लोग पार्टनर है 15 पार्टनर है टोटल पार्टनर कितने हैं 15 ठीक है इसमें से 15 में एक बंदा है मिस्टर एक्स उस मिस्टर एक्स है और यहाँ पास 14 अदर पार्टनर है यहाँ पास 14 पार्टनर बोलते हैं कि भाई हम एक वाई है उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पास एक लौता अगर एक्स उसको डिस अलाउ कर दिया तो क्या वो पार्टनर बन सकते हैं क्या नहीं बन सकता मतलब पूरे हर एक पार्टनर का सहमति जरूरी है अगर एक भी पार्टनर अगर 40 भी पार्टनर है और 40 में हम लोग 41 ऐड करने वाले होंगे और उस 40 में कोई एक भी बंदा अगर मना कर दिया तो पार्टनर नहीं बन सकता पूरे 40 को एग्री होना कंपलसरी है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये है राइट्स का अगर राइट्स के बेस में अगर एक ऑब्जेक्टिव आ गया और इसमें आ गया ना तो बहुत खुश सकते हैं क्योंकि अपन मेजोरिटी बार बार क्या सुनते हैं मेजोरिटी जब मैं कंपनी पढ़ाऊंगा ना बेटा तो वहां एक वर्ड आएगा मेजोरिटी को अपन प्रिफरेंस देते हैं किसको देते हैं मेजोरिटी तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि अपन यहाँ क्या समझ लो इसको मेजोरिटी समझ रहे इसलिए याद रखना कि एक पार्टनर भी अगर डिफ्यूज किया तो नया एडमिशन नहीं ले सकता ये इंपॉर्टेंट है राइट्स का ये सिक्स्थ पॉइंट टाइम पास है एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनर्स प्रॉपर्टी भाई कि अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो सबका पूरा अधिकार सेवन एट नाइन घर में पढ़ लेना एक वर्ड पार्टनरशिप डीड ये भी पढ़ा लिया हूँ द रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड Details the terms and condition of the partner. It is a legal document. इसको क्या बोला जाता है Legal document. और बाजू में आप लोग अपने वहां पर लिख लेना इसका दूसरा नाम है MOP, Memorandum of Partnership. क्या है Memorandum of Partnership. एकदम ही डिटेल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है इतना नहीं पढ़ाता था मैं पिछले साल सीधा प्रैक्टिकल पे आता पहला इसको कंटेंट यह है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है क्या क्या लिखा होना चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में जैसे मैं एक बात बताऊं मेरे पार्टनरशिप डीड में आप अगर दो लोग मिल करके अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे और रिटर्न एग्रीमेंट करोगे तो क्या क्या लिखोगे एक एक अपने से एग्जाम्पल एक एक आना चाहिए सब बताओ यामेश अगर दो लोग रहोगे तो क्या एग्रीमेंट करोगे नेम नेम हाँ
नेम एंड एड्रेस, हाँ किसका, बिजनेस का, ठीक है, एक नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस, वेरी गुड, एक एक करके हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुड, थर्ड सैलरी, यहाँ तो पार्टनर का बात कर रहे हैं, पार्टनर में कहाँ सैलरी, अपने से बताओ, सोचो ना आप, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप है, उसने बोला कि नेम और एड्रेस ऑफ द बिजनेस, इन्होंने बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दो एग्रीमेंट, दो पॉइंट हो गया, थर्ड आस्था पंप का एड्रेस उन्होंने बोल दिया, पार्टनर्स के नेम और एड्रेस, भाई पहले तो बिजनेस का नाम क्या रखना है, फिर कौन कौन पार्टनर है उनका नाम और नंबर, आप भाई नील मणि नाम से तो कितने भी होंगे, लेकिन नील मणि का घर ये जो है वही घर है ना, वैसे उनका भी तो पूरा रखना ही पड़ेगा, ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पम का वर्किंग, ओके, कंसोल कैपिटल, ठीक है, कितना कौन पार्टनर लगाएगा, गुड, ड्रॉइंग्स, ठीक है, आप भी सही बोले बेटा, सैलरी ना, हाँ, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रही, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इफ एनी रिसोल्यूशन, कब तक टेन्योर बोलना चाह रहे हैं, तो मतलब है कि कब तक पार्टनरशिप रन करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग डेट ऑफ द फर्म, कि हम कब से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अगर चले जाएगा, अब अगर अपन बात करें नॉर्मली, सोचो कि भाई अगर हम दो लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं और रिटर्न एक एग्रीमेंट बनाएंगे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि भाई नाम, ठीक है, एक था मेरे, मेरा एक फ्रेंड है मेरे, जिसने मैंने बोला कि मेरे साथ मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए हम लोग एग्री हुए, लेकिन रुके कहाँ पता है, नाम, नाम पे रुक गया, क्योंकि पहले से मेरा नाम क्या चलते आ रहा है, एनएमएस, अब वो पहले से भी टीचर है और हम दो टीचर है, तो उनको लगता है कि अगर यहाँ करेंगे तो वर्ड क्या हो जाएगा, एनएमएस, समझ रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप में नाम चेंज नहीं हो पाने के कारण हमारा पार्टनरशिप नहीं हुआ, देखा, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा नाम नहीं है, सोच लो, मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म सबसे पहला, सेकेंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, क्लियर है, थर्ड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, क्या सब पार्टनर बराबर लगाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई 5 लाख लगा रहा है, कोई 4 लाख, तो वो भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, फिर ये कैपिटल लगाते हैं, अब एक बात बताओ, एक बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन का अर्निंग उसके घर का कैसे होता है, बिजनेस से, समझ रहे कि नहीं, तो भाई कैपिटल लगाया तो उसको कभी कल के डेट में पैसा अगर ज्यादा लगाया तो बोलेगा भाई ज्यादा लगाया तो मुझे क्या चाहिए इसमें, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं, ये भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए, फिर भाई बिजनेस में ड्रॉइंग करता है, बिजनेस से बाहर निकालता है तो ड्रॉइंग करता है, तो ड्रॉइंग करता है तो क्या होगा कि ड्रॉइंग कितना कर सकता है, ड्रॉइंग कर सकता है कि नहीं, अगर ड्रॉइंग करेगा तो कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना नहीं देंगे, ये सब चीजें उसके अंदर लिखा होना चाहिए, फिर बात करते कि जैसे मैंने आपको बोला था कि ए बी सी तीन पार्टनर है और सी बी काम कर रहे हैं और ए और सी स्लीपिंग है, तो भाई बी बस काम कर रहा है, पूरा फल कौन ले रहे हैं, ए बी सी, तो बी क्या बोलेगा कि सर मैं पूरा वर्क कर रहा हूँ एज अ वर्कर, तो मेरे को क्या चाहिए, सैलरी, तो किसी पार्टनर को सैलरी देंगे कि नहीं, ये बोलना था बेटा, ठीक है, तो किसी पार्टनर को सैलरी देंगे कि नहीं, अगर बी अच्छा काम कर रहा है, जितना प्रॉफिट होना था उससे डबल हो गया, तो बी क्या बोलेगा, भाई मैं कमीशन लूंगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट का, तो पार्टनर्स को कमीशन देंगे कि नहीं, ये भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए, मतलब दुनिया जहान का जितना भी चीजें आपको लगता है, जो भी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं 20 पॉइंट लिखा वही 20 पॉइंट आएगा, आपके अंदर में जो भी लगता है कि ये इसके अंदर होना चाहिए तो वो होगा, कल के डेट में क्या इन लोग के बीच में झगड़ा होगा कि नहीं, तो झगड़ा होगा तो ये लोग क्या बोलेंगे, एक ट्रिब्यूनल रखते हैं, एक बंदा रखते हैं, कल कल के डेट में हमारा प्रॉब्लम हुआ तो उसके पास जाएंगे, वो जो बोलेगा वही मानेंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, समझ रहे कि नहीं, तो हर एक चीजें किसके अंदर लिखा होना चाहिए, एग्रीमेंट के अंदर, जो चीजें एग्रीमेंट में लिखा है वो रूल्स फॉलो होगा, समझ रहे कि नहीं, क्लियर है, पक्का।
सर अगर कुछ ऐसा चीजें जो एग्रीमेंट में ना लिखा हुआ हो तब क्या होगा? तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। ये रूल हमारे प्रैक्टिकल में बहुत काम आएगा। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, लास्ट टॉपिक आज का। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्लियर है? ये रूल्स क्या है? जहां हमने डीड में कुछ भी लिखा हो, या हमने ओरल बनाया या हमने वो रिटर्न भी बनाया और उसमें वो पॉइंट नहीं लिखे होंगे और वो पॉइंट का जरूरत पड़ गया होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो रूल्स लिखा होगा वो रूल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। जैसे पार्टनरशिप का एग्रीमेंट कर लिए, नाम वाम सब लिख दिए, कैपिटल सब लिख दिए, बोल गया कि पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग कैसे बांटना है उसी को लिखना भूल, और सब चीजें लिखे हैं उसी क्या भूल गए? प्रॉफिट शेयरिंग। अब कल के डेट में प्रॉफिट हुआ, अब ए बोला है मैंने 5 लाख लगाया, बी बोलता है मैं 4 लाख लगाया, सी बोलता है मैं 3 लाख लगाया। तो ए बोलता है मैं ज्यादा लगा तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बी बोलता है कि हाँ ठीक है भाई तू ज्यादा लगा तेरे ज्यादा, लेकिन मेरे को भी सी से ज्यादा मिलना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पास क्या बात हुआ था क्या वैसे वाला लिखे गया नहीं? तो यहाँ पास पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है आपका डील, तो कैसे बटेगा? इक्वल। कैसे बटेगा? इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट, कल के डेट में प्रैक्टिकल जब बनाएंगे और वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? इक्वल। इसलिए याद रखना कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा तो हमेशा कैसे बटेगा? इक्वल। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप अपने डीड में लिखे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, चार्ज करेंगे, अलाउड करेंगे, सॉरी चार्ज नहीं, अलाउड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे, अगर आपने डीड में लिखा है तो होगा, अदरवाइज नहीं देंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिपेंड अपॉन डीड, अगर डीड में लिखा होगा तो देंगे, नहीं तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर डीड में लिखा होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, नो कमीशन। अगर ये चारों चीज के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये चारों के बारे में अगर डीड में नहीं लिखा होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। चार वर्ड समझ आया? पहला क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं, सैलरी नहीं, ठीक है? फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑफ लोन, लोन बाय द पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू बी 6%, ध्यान से देखना इसको। बोलता है अगर आप किसी को इंटरेस्ट देते हो, सॉरी लोन देते हो, तो क्या आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो कि नहीं? हर कोई करता है, पॉकेट पे तो लोन नहीं कहलाएगा, फिर तो सेवा कहला गया, है ना? अगर लोन के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना कैसे, दो चीजें सुपर है इसके अंदर, ए बी सी, तीन पार्टनर है और उसका एक फर्म है, क्लियर है? अगर पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दिया है, कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दिया है और उस लोन का इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, उस लोन के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो फर्म जो भी पार्टनर से लोन लिया होगा उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। समझ पाए? नहीं समझ? क्लियर है? क्या बोला? कोई भी पार्टनर फर्म को अगर लोन दिया है और उस लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं, तो कितना परसेंट देगा? 6% पर एनम। सर अगर डीड में 10% लिखा होगा तो दे सकता है कि नहीं? दे सकता है, ये मिनिमम बता रहा है, कोई ये नहीं बोला है कि इतना ही देना है। समझ रहे कि नहीं? अगर डीड में बोला है बी ने फर्म को लोन दिया 5 लाख रुपए, बोलते हैं 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लूंगा, तो वो 8% देगा। सर अगर 3% का बोल दिया तो 3% देगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो कितना देगा?
6%, और जितना बोल दिया कॉल फिर उतना ही दे। क्लियर है सर? फर्म ने ए को लोन दिया, अब कौन लोन दे रहे हैं? फर्म। किसको? ए। और फर्म भूल गया इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद। मैं 5 मिनट ना दूंगा। फर्म बोल दिया ए को लोन, फर्म ए को लोन दिया और फर्म भूल गया इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो कितना परसेंट चार्ज? कितना लिखा है ना? 6%। हाँ, कितना परसेंट चार्ज होगा? 6%। ये गलत है, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा, यही समझना है कि 6% आपके अंदर तो रटा गया। कौन किसको लोन देगा तब 6% या चार्ज होगा? जब पार्टनर्स फर्म को लोन दे रहे हैं तो फर्म उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा? 6% का इंटरेस्ट देगा। ए लोन लिया है फर्म से और इंटरेस्ट के बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ है, इसका मतलब फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता, फर्म पेड कर सकता है। देखो, समझ रहे कि नहीं? क्लियर है? पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में आता है, 8 नंबर का प्रैक्टिकल के लिए ये क्वेश्चन। समझ पाए? कोई डाउट? पक्का? अगर एब्सेंस होता है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, पहला पॉइंट प्रॉफिट से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, सेकंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, नो कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। कब? जब पार्टनर्स फर्म को लोन देगा तो 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है। और अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया और इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो नो इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ रहे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? बस इतना ही याद रखना है आपको। आज एक बार देख लेते हैं। और रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर, वही सैलरी को रेमुनरेशन बोलते हैं, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेमोशन, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पक्का? एलएलपी हमारे टॉपिक में नहीं है, एडवांस पढ़ने के लिए दे दिया हूँ। तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन आज खत्म, थ्योरी पोर्शन पूरा खत्म हो गया। कल हम आएंगे इसमें प्रैक्टिकल। क्लियर है? वीडियो रिकॉर्डेड है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और प्लीज सपोर्ट करो यार। जितना स्टूडेंट्स होगा और जितना आप सपोर्ट करेंगे ना, उतना मेरे को खुशी मिलेगा।